दी आइस बेड सोर्स रशल रूल द वर्ल्ड के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम लोग रोज को देखते हैं जो कि नारी होती है वो कहने लगती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रे आइस बेड सोर्सर होगा, सातों स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर में से एक। रोज कहने लगती है कि वो मुझसे अलग है, रे का पास्ट काफी ज्यादा पेनफुल है। जिसके बाद रोज को याद आती है कि किस तरीके से लोग उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। रोज कहने लगती है भले मेरे ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन है लेकिन मैं ग्रेट नहीं बन सकती हूँ, मैं एक खाली शेल की तरह हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रोज बाल सुखा रही होती है, तभी उसे वही इंसिडेंट याद आता है जब वो कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी उसे एक मकड़ी दिखती है जिसके कान से वो रे को जाकर पकड़ लेती है। रोज कहने लगती है अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो तो शर्मा जाता, लेकिन रे ने तो कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, क्या मैं इतनी ज्यादा चार्मिंग नहीं हूँ। और अब हम लोग एकेडमी में कैरोल को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को मैजिक शिविलियर की इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि मैजिक शिविलियर सोर्सरी सोर्समैन कंपटीशन है जिसमें किंगडम की तीनों एकेडमी पार्टिसिपेट करने वाली है। वो बताती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट प्रीलिमिनरी टूर्नामेंट के अंदर कम्पीट करेंगे और सेकंड ईयर और उससे ऊपर वाले सीधा मेन एलिमिनेशन टूर्नामेंट के अंदर कम्पीट करेंगे। और अब कैरोल बताती है कि तीनों एकेडमी से 16 पीपल को चूज किया जाएगा जो कि टूर्नामेंट में कम्पीट करेंगे। और क्योंकि पिछले साल रेबेका जो कि हमारी एकेडमी की है वो विनर हुई थी, हमारी एकेडमी को मौका मिलेगा 5 की जगह 6 स्टूडेंट को भेजने का। और अब कैरोल बताते हैं कि हम लोग कंबाइंड एबिलिटीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वहीं पर डीओम एकेडमी फिजिकल कॉम्बैट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं पर जो मेरकोस एकेडमी है वो एकेडमिक रिसर्च में काफी ज्यादा अच्छी है, वहाँ के ज्यादातर स्टूडेंट रिसर्चर बनेंगे। और अब कैरोल कहते हैं चाहे कुछ भी हो हर एकेडमी के पास उनकी यूनिक एबिलिटीज है, सभी एक दूसरे से बेहतर है। और अब कैरोल कहते हैं कि इसके अंदर कमेटी मेंबर भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो भी इस टूर्नामेंट के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब कैरोल रे की तरफ आंख मारते हुए कहती है ये काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ, ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं कैरोल की बात सुनकर रे परेशान हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता है, जिसके बाद रे एबी के पास आता है और उसे कहता है कैरोल यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर एबी कहती है कि कैरोल फ्री थी इसलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया और वैसे भी वो एकेडमी को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। ये सुनकर रे कहता है कि एकेडमी को प्रोटेक्ट करने का काम तो मैं भी कर दूंगा लेकिन कैरोल का कुछ करो, आपको तो पता ही है जब से मैं यंग था मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता हूँ और अब वो मेरी टीचर बन चुकी है। ये सुनकर एबी ऐसे कहती है शांत हो जाओ, सोर्सरी की एबिलिटीज में कैरोल काफी ज्यादा यूजफुल है और वैसे भी सभी स्टूडेंट उसे पसंद कर रहे हैं। ये सुनकर रे कहता है क्योंकि कैरोल ने अभी तक अपने असली रंग नहीं दिखाए हैं और ज्यादा लेट नहीं हुआ है इसलिए कैरोल को एकेडमी से निकाल दो। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से कैरोल रे के पीछे आ जाती है और उसे कहती है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो रे, ये देखकर रे डर जाता है और अब वो वहां से भागने लगता है, वही कैरोल उसका पीछा करने लगती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं क्लैरिस और रे एक मैच को देख रहे होते हैं, वहीं पर क्लैरिस ऐसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा इस मैच को, तो रे कहते हैं मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि लड़की जरूर जीतेगी क्योंकि उसका अपोनेंट उसे स्वॉर्ड से हिट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसकी स्वॉर्ड स्किल इतनी अच्छी नहीं है और कंबाइन एबिलिटीज देखी जाए तो वो लड़की जरूर जीतेगी। जिसके बाद हमें उसी मैच को दिखाया जाता है और हमें पता लगता है हाँ वो लड़की जीत चुकी है। ये देखकर क्लैरिस रे को डरावना कहती है और कहती है तुम मैच शुरू होने के 2 सेकंड बाद ही बता सकते हो कौन जीत सकता है, तो रे कहते हैं उन दोनों की एबिलिटीज तो डिफरेंट थी इसलिए ये तो ऑब्वियस ही बात है और इतने डिफरेंस से रिजल्ट तो सिर्फ 3 सेकंड में पता लगाया जा सकता है। ये सुनकर क्लैरिस ऐसे कहती है तुम डरावने हो। और अब हम देखते हैं अगला मैच होने वाला है रोज का, वहीं क्लैरिस कहने लगती है ये तो खत्म है ये तो मैं भी बता सकती हूँ कि कौन जीतने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रोज जीत जाती है वो भी सिर्फ 6 सेकंड में, जिसके बाद रोज वहां से जाने लगती है लेकिन उसका चेहरा थोड़ा सा दुखी लगता है। ये बात को रे भी नोटिस कर लेता है, वो कहने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पर रोज अपने और अपने फादर की कन्वर्सेशन को याद करती है जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने का वेट कर रहा हूँ, तुम रोज फैमिली से हो जो कि टॉप 3 फैमिली की लीडर है तो अपना बेस्ट देना, खासकर तो उस ऑल ग्रीन लड़की से बिल्कुल मत हारना। ये सुनकर रोज अपने फादर से कहती है मैं समझ गई मैं नहीं हारूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग रे को देखते हैं जो कि रेबेका से एरियाना ओलग्रीन के बारे में पूछता है, तो रेबेका उसे बताते है कि वो डीओम एकेडमी से है और वो उस एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजी जाएगी। ये सुनकर रे उसे पूछता है क्या एरियाना स्ट्रांग है, तो रेबेका कहती है हाँ वो स्ट्रांग है और साथ साथ वो एक नोबल फैमिली से आती है लेकिन वो रोज से बिल्कुल अलग है, वो एक ऐसी टाइप की लड़की है जो कि अपने नोबल होने पर प्राउड करती है और वो पूरी ताकत से लड़ती है। वहीं पर सैरा रे से कहने लगती है एक बार मैं भी उससे लड़ी थी, वो भले मेरी जूनियर है लेकिन वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी रेबेका कहती है कि एरियाना स्ट्रांग तो है लेकिन रोज भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। वहीं सैरा कहने लगते हैं कि इस साल की विनर तो रेबेका ही होने वाली है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रोज अपने अपोनेंट एल्बर्ट को हरा देती है, इसी के साथ वो क्वालिफाई कर जाती है फर्स्ट प्लेस से मैजिक शिविलियर के लिए। वहीं पर क्लैरिस कहने लगते हैं कि रोज तो काफी अमेजिंग है, उसने हर मैच अपने 10 सेकंड के अंदर अंदर जीते हैं। वहीं पर हम लोग एल्बर्ट को देखते हैं जो कि क्वालिफाई किए सेकंड प्लेस पर। वहीं पर एल्बर्ट अपने टीममेट से स्माइल करके काफी अच्छे से बात कर रहे हैं, ये देखकर क्लैरिस कहने लगती है ये कब से इतने अच्छे फेस बनाने लग गया, लगता है ये सुधर गया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वोंडा का ग्रुप आ जाता है जो कि रोज की तारीफ करने लगते हैं। वहीं रोज मन में कहती है मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने फादर की और सभी की एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरने की।
जिसके बाद हम लोग रात में रे को देखते हैं जो कि अपने रूम में अपने मास्टर की दी गई हुई बुक को निकाल कर देख रहा होता है। जिसके बाद रे रोज से मिलता है और वो उसे कॉन्ग्रेट्स करता है मैजिक शिवालिक में क्वालिफाई करने के लिए, और वो उसे कहता है तुम्हें लड़ते समय मजा नहीं आता क्या, तुम परेशान सी क्यों लगती हो, क्या तुम चाहती हो ऐसा ही चलता रहे। जिसके बाद रे उसे पूछते हैं क्या तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो, जिस पर रोज कहती है कि अरियाना भी पार्टिसिपेट करने वाली है और वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सुनकर रे उसे कहते हैं अभी भी मेन टूर्नामेंट में एक महीना है तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। तो रोज कहती है तुम कैसे ट्रेन करोगे तुम तो। इतने में रे बोल पड़ता है, वो कहने लगता है किसी को सिखाने में मुझे मेरी एबिलिटीज को अनलॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी मास्टर ने मुझे ये एंसवर्थ की बूट कैंप दी है और मैंने अपनी खुद की फाउंडेशन इसी ट्रेनिंग से बनाई है। ये सुनकर रोज कहती है फिर तो मुझे भी सीखनी है ये ट्रेनिंग। ये सुनकर रे भी मान जाता है और कहता है अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा स्ट्रॉन्ग बनने की। जिसके बाद हमें रोज का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज कहती है कि मैं सबसे पहले अरियाना से नोबल्स की पार्टी में मिली थी। वहीं रोज अकेले खड़ी होती है तभी उसके पास अरियाना आती है और उसे कहती है चलो एक साथ खेलें, और उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वो दोनों अपने एक साथ खेलने लगते हैं और अब समय के साथ उनकी दोस्ती और ज्यादा बढ़ती जाती है जहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट एक साथ गेम खेलते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं रोज अरियाना का शुक्रिया करती है उसके साथ खेलने के लिए। ये सुनकर अरियाना कहती है शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए मेरे साथ खेलने के लिए। अरियाना कहने लगते हैं कि हमेशा मैं तुमसे भागा करती थी इसलिए मुझे लगा कि तुम उसे नफरत करती हो। जिस पर रोज कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने घर से बाहर कभी निकलती है नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बाहर आती हूँ उसके लिए शुक्रिया। और अब वो खुशी के मारे एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे से कहते हैं हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे चाहे कुछ भी हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो थोड़े बड़े आते हैं जहाँ पर उनके बीच में मैच होता है। वहीं पर रोज अरियाना के ऊपर हमला करती है लेकिन अरियाना उसके अटैक को डॉच करके रोज के ऊपर हमला कर देती है जिसके कारण से रोज हार जाती है। जिसके बाद अरियाना अपने हाथ को रोज को देती है खड़े होने के लिए लेकिन रोज उसके हाथ को नहीं पकड़ती है और अब वो आगे चलकर कहती है इसी के बाद से हम लोग एक दूसरे से दूर होते गए। और अब सीन प्रेजेंट का आता है, रोज कहने लगती है कि अरियाना चेंज नहीं हुई बल्कि मैं चेंज हुई हूँ क्योंकि मैं एक नोबल हूँ और सर्वाइव करने के लिए मुझे जीतना होगा। और अब सुबह जब हम लोग देखते हैं रोज रे से मिलने के लिए आती है लेकिन रे वहाँ पर नहीं होता है, वो उसे ढूंढने लगती है। तभी रे एक मास्क पहना हुआ वहां पर कूदता हुआ आता है। रोज रे से कहती है क्या तुम ही हो ये रे, तो रे कहते हैं कि मुझे मास्टर व्हाइट बुलाओ, अब से मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम मेरे रिक्रूट हो, और मैं जब भी तुमसे कुछ पूछूं तुम्हें रेंजर बोलकर रिस्पोंड करना है समझी। ये सुनकर रोज कहती है क्या जर, ये सुनकर रे भड़क जाता है और कहते हैं मैंने कहा रेंजर बोलकर रिस्पोंड करो। ये सुनकर रोज भी डर जाती है जिसके बाद रे उसे कहता है एकेडमी का एक राउंड काटो जिसके बाद काफका फॉरेस्ट में जाकर यहीं पर वापिस आओ, और क्योंकि ये बस 20 किलोमीटर की दौड़ है तो तुम कोई भी फिजिकल अनाउंसमेंट नहीं कर सकती हो। ये सुनकर रोज कहती है 20 किलोमीटर वो भी बिना फिजिकल अनाउंसमेंट के, ये तो कुछ ज्यादा है। ये सुनकर रे उसे कहते हैं मैं तुमसे क्या कहा था तुम्हें क्या कहना है, तो रोज डर जाती है और अब वो कहती है रेंजर। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग दौड़ लगा रहे होते हैं, वहीं रे उसे कहने लगता है काफी सारे सोर्स फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करते हैं लेकिन सबसे रिलायबल चीज होती है तुम्हारी खुद की बॉडी, अगर तुम्हारी वही स्ट्रांग नहीं होगी तो तुम क्या ही कर पाओगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी दौड़ खत्म हो जाती है, वहीं पर रोज काफी ज्यादा थक जाती है और अब रे कहते हैं आज की ट्रेनिंग काफी ज्यादा इजी थी लेकिन कल की ट्रेनिंग इससे और ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। ये सुनकर एमिलिया कहती है ये इजी ट्रेनिंग थी, तो रे उसे कहते हैं मैंने कहा ना तुमसे रेंजे करके रिस्पोंड करो, और बेचारी अमेलिया रोते हुए रेंजे कहती है। और अब हम लोग देखते हैं रोज की खतरनाक ट्रेनिंग सुबह से रात तक चलती आ रही है, वहीं पर वो एक काफी बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो पत्थर उसी को कुचलने वाला होता है। और अब जब वो रात में अपने बेड पर लेटती है वो कहने लगती है मुझे लग रहा है मैं नर्क में आ गई। और अब रोज को सपना आता है जहां पर उसके सामने अरियाना होती है जो कि उसे दूर जा रही है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती है और अब रोज जमीन पर गिर जाती है जिसके कारण से वो रोने लगती है। तभी वहां पर आ जाती है जो कि उसे गले लगाकर उसे कंफर्ट देने लगती है। वहीं पर क्लेरिस भी आ जाती है जिसने की बनी गर्ल के कपड़े डाले होते हैं। ये सब देखकर रोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तभी उसे दिखता है रे वहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा है, वो रोज को दीवार के सारे लगाता है। और अब रे एक एप्पल खाते हैं जिसके बाद रोज से कहते हैं क्या तुम ये एप्पल खाओगी। ये देखकर रोज काफी ज्यादा शौक होती है, वो कहती है आखिरकार ये हो क्या रहा है। और तभी रोज की आंख खुलती है, तभी उसे पता लगता है रे तो उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर बर्तन बजा रहा है ताकि रोज उठ सके। ये देखकर रोज काफी ज्यादा डर जाती है जिसके बाद रे नीचे आते हैं जहाँ पर उसे रेबेका और सारा दिखती है। सारा रे से कहती है तुम यहाँ सुबह सुबह डाल के क्या कर रहे हो, तो रे उसे कहते हैं कि मैं रे नहीं हूँ मैं मास्टर व्हाइट हूँ, तो सैरा उसे कहते हैं तुम कुछ भी हो तुम इस तरीके से गर्ल्स के डॉम में नहीं आ सकते हो। ये सुनकर रे उनसे माफी मांगता है और कहता है वैसे आप दोनों इन नाइट सूट में काफी अच्छे लग रही हो। ये सुनकर सैरा शर्मा जाती है और कहती है ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तभी रे देखता है कि रोज तो वहां से छुपके से भाग रही है, तो रे भी जाकर उसका पीछा करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जब रे रोज को ढूंढ रहा होता है तभी उसे एल्बर्ट मिलता है जो कि अकेला बैठा होता है, उससे कहते हैं तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, जिस पर वो कहते हैं कि मैं थोड़ा समय अकेला चाहता हूँ। ये सुनकर रे कहते हैं वो ऐसी बात है। एल्बर्ट रे से कहता है मैं क्या करूं कि मैं स्ट्रांग बनूं, सच बताऊं तो मैं कंफ्यूज हूं।
भले मैं डेली ट्रेनिंग करता हूँ, इस कंफ्यूजन को दूर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो रेओ से कहते हैं तुम अनकॉन्शियसली स्ट्रांग बन चुके हो और तुम फ्यूचर में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर एल्बर्ट कहते हैं तुमने ये बात कह दी ना, अब मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। जिसके बाद रे एलिसा और क्लेरी से जाकर पूछते हैं क्या तुमने रोज को देखा, जिस पर वो मना कर देते हैं। तो रे अपनी पावर का यूज करके पता लगा लेता कि कहां रोज है कहां, जिसके बाद वो वहां पर जाने लगता है और हमें पता लगता है रोज वहां पर छुपकर बैठी होती है। तो रे जाकर उसे धप्पा करता है। रोज कहने लगते है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो रे कहता है मैंने अपनी एबिलिटीज का यूज किया। जिसके बाद रे रोज के हाथ को पकड़कर उसे बाहर ले आता है। रोज कहती है मेरे हाथ को तो छोड़ो। तो रे उसे कहते हैं जब तक हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर नहीं पहुंचाते तब तक मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो शर्मा जाती है और अब रे रोज को खसीटता हुआ लेकर चलता है। वहीं पर ये सब एलिसा और क्लेरिस भी देखते हैं। वो कहने लगते हैं रोज तो कुछ ज्यादा सफर कर रही है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते रे अपने बॉडी बिल्डर क्लब के लीडर से आकर कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग रोज के चेयर लीडिंग स्क्वाड बने। ये सुनकर लीडर कहते हैं हम ये काम क्यों करें। तो रे कहते हैं हम सभी लोग के अंदर ताकत के साथ साथ आवाज भी है तो हम काफी अच्छे चेयर लीडिंग स्क्वाड बन पाएंगे। ये सुनकर सभी लोग मान जाते हैं रे की हेल्प करने के लिए। जिसके बाद लीडर रे के पास आते हैं और कहते हैं तुमने ये मंगाया था ना ये लो, मुझे नहीं पता कि तुमने ये किस काम के लिए लिया है, लेकिन अपने पाथ को फॉलो करो जिस पर तुम बिलीव करते हो। ये सुनकर रे उनका शुक्रिया करता है। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं रे खुद को एक लड़की में डिस्गाइज करके अपने रूम से चला जाता है। और अब रे बाहर आ जाता है। वो कहने लगता है मेरा डिस्गाइज एकदम परफेक्ट है और अब टाइम आ चुका है डीओम एकेडमी में जाने का। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो डीओम एकेडमी में पहुंच जाता है जहां पर वो खुद को एक बक्से के नीचे छुपा कर चल रहा होता है। तभी उसके आगे एक लड़की आती है जो कि रो रही होती है और वो कह रही होती है मेरी बहन कहाँ हो तुम। वहीं पर रे अब आगे जाता है और उस लड़की के पास जाकर उस बक्से के बाहर आ जाता है। और अब वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी के साथ होता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।